पूर्णिया पुलिस ने गुलाबबाग में मसाला व्यापारी से 17,40,000 रुपए की लूट का खुलासा 48 घंटे के भीतर कर दिया है। दरअसल मसाला व्यवसायी के स्टाफ राजा शाह ने अपने दोस्त के साथ ही मिलकर लूट की योजना बनाई थी, लेकिन मोबाइल ने इस कांड से पर्दा ऐसे उठाया कि फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। सदर SDPO पुष्कर कुमार के मुताबिक 5 जून को इस लूट का प्लॉट रचा गया था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी, जब मिर्च मसाला कारोबारी प्रवीण कुमार के स्टाफ राजा शाह के मोबाइल की जांच की गई तो वारदात के वक्त गुड्डू को मैसेज किया था कि जल्दी आओ, लोग शक कर रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने राजा शाह से कड़ाई से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 5/6/2024 को दिन के करीब 12:05 के आसपास एक मसाला के व्यवसायी थे, मिर्च मसाला की गद्दी थी गुलाबबाग में, गुड्डू दास प्रवीण कुमार ऐसे नाम है उनका, वो अपने स्टाफ राजा शाह से 17,40,000 रुपया खुशकी बाग स्टेट बैंक में जमा करने के लिए भेजे, बाइक पर एक काला रंग का बैग पर भेजे, और उनका स्टाफ घर से थोड़े देर में निकलता है और वापस आ जाता है और कहता है कि 4 लड़का जो है हमें मुक्का से मार के बैग को छीन लिया है और पिस्टल से मोटरसाइकिल पर बट से मारा भी है और पैसा सब ले लिया है। उसमें पुलिस अधीक्षक पूर्णिया महोदय के द्वारा तत्क्षण एक टीम का गठन किया गया मेरे नेतृत्व में, जिसमें SHO सदर राजीव लाल, उसके साथ सब इंस्पेक्टर DSP प्रोफेशनल अविनाश जी, ये सारे लोग शामिल हुए और टेक्निकल सेल पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्णिया DI टीम लगी और हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। उसके बाद इस लड़के का जो टेक्निकल चीज़ है, लैपटॉप का यूज करना, मोबाइल का यूज करना, इंस्टाग्राम का यूज करना, उस सबको भी हम लोग खंगाले और इंट्रोगेशन में ये लड़का बाद में टूट गया और इसने स्वीकार किया कि यह पैसा हम लोग प्लानिंग के तहत जो है अपने एक मित्र को बुलाए और उसी को गली में खड़ा किया, तो वो मित्र 3-4 आदमी के साथ था जिसको हमने ये पैसा दे दिया 17,40,000 रुपया। जिस मित्र के बारे में पैसा लेने की बात बताया वो फरार है, जेल से छूटा हुआ व्यक्ति है और उसके घर पर छापामारी किया गया है। पैसे की अभी रिकवरी तो नहीं हुई है, लेकिन जल्द से जल्द इसकी रिकवरी भी हो जाएगी। और इस बीच जो है सो अन्य लोग के भी नाम का पता चला है तो उस पर भी छापामारी किया जा रहा है और वादी जो है सो इस केस में वादी जो है अब देख रहे हैं कि वो कुछ अंडर डील भी कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको चूंकि मिल गया है और इस तरह का कृत किया है, षड्यंत्र किया है, तो इसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल किया है। इसमें तो पुलिस को भी बेवजह परेशान और भड़कलाने का प्रयास करोगे ना? हाँ, बेवजह है, लेकिन अब ये तो अमानत में खयानत है, लेकिन लूट का रूप दिया गया है, अब इसको देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन में कि क्या होगा। इसमें किस तरह के धारा का प्रयोग किया? अभी तो हम लोगों ने प्रथम दृष्टिया इसको 392 में ही किए थे, लेकिन ये जो स्पष्ट अभी तौर पर आ रहा है, अब आगे और भी बात खुलती है, क्या और अपराधी पकड़ा जाता है, तो हम लोग इसको देख लेंगे क्या करें। सर, कौन सा ऐसा क्लू छोड़ा जिसे इस पूरे मामले में? उसको हम लोगों को शक था कि घर से निकला है, तो कैसे अपराधी को पता चल गया कि फलाना अमुक व्यक्ति घर से निकल के बैंक जा रहा है? बैंक से कोई पैसा निकलता है तो उसको मान सकता है, वहां से चेज करता है, ये घर से जानने के लिए और एकदम सुना गली में व्यक्ति खड़ा है और इसको आया है और बैग ले लिया है, हम लोग को शक हो गया था कि इसने जरूर किया है, लेकिन ये अपना मोबाइल भी बोला कि हमारा चला गया है तो इसने मोबाइल से खंगाल नहीं सका, लेकिन फिर लास्ट में इसके लैपटॉप पर एक मैसेज था कि जल्दी आओ, शक हो रहा है लोग को, और ये बोला ओके, ये मैसेज जो लास्ट चैटिंग हुआ तो ये कंफर्म कर दिया कि ये आदमी को बुलवा के ये घटना, ये लैपटॉप में मैसेज था। उसके साथ कौन कौन आदमी थे सर? पता चला है जिस दोस्त के साथ इन्होंने खड़ियंत्र रचा था, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बीरपुर लोखड़ा का गौतम है, अभी फरार चल रहा है, वो जेल से भी आया? हाँ, वो अभी जेल से छूटा है, वो अनुसूचित जाति जनजाति के किसी मामले में जेल में। तो कितने दिन से? आज बुधवार को सर हुआ है, 4 अभी।